अच्छी थी, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ था, बहुत मीनिंगफुल थॉट्स भरे हुए थे इसमें, बहुत फीलिंग से बनाया था कि कैसे घुल मिल के रहने का, एक्सप्रेस करने का, लोनली नहीं रहने का, फ्रेंड्स बनाने का, बहुत अच्छी मूवी लगी। कीप इट अप। 10/10। हाँ, इन द चैप्टर 2 द मिडिल, तभी बर्थडे सीन होता है, तभी मैंने इसमें भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस भी किया था, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी लगी, इसकी कास्टिंग अच्छी लगी मुझे, स्टोरी बहुत अच्छी है, लाइक फैमिली बेस्ड मूवी है, हर कोई एज के ग्रुप के देख सकते हैं इसको। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस मूवी को? 8। बहुत अच्छी मूवी है, और आजकल के ज़माने में जो फास्ट मूवीज़ है उसमें ये एक अलग टाइप की मूवी है, और इसका जो एक थीम है वो एक अलग प्रकार का थीम है, जो बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है, सो लोगों को ये बहुत पसंद आनी चाहिए। 10 में से 10। Extraordinary, no words, speechless. इसके बारे में तो ये है कि एक समाज को बहुत अच्छा सबक भी है, और कि इस टाइप की फिल्में बहुत, मतलब पहले कभी देखने को नहीं मिली, कुछ नयापन भी है, और इसको बच्चों को जितना दिखाएं उनके लिए बहुत कैची है। सर मैंने बोला ना स्पीचलेस है, तो 10/10। फिल्म के निर्माता आनंद शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई हो ऐसी फिल्म बनाने के लिए। लाइफ इज गुड, लाइफ इंजॉय करना चाहिए, और जो स्टोरी है बहुत ही रियल लाइफ उन्होंने बनाई है, तो काफ़ी कम ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं दिलदार जो इस तरह की फिल्में बनाए। इसमें 4 लाइफ दिखाया गया है कि लाइफ को कैसे जिया जाए, अगर किसी कोई भी मनुष्य अगर अपने ज़िंदगी से निराश है तो ये फिल्म ज़रूर देखे। थैंक्स। 10 में। थैंक्स। 10 में से 10 मार्क्स रहेंगे इसमें। सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब कभी लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया तभी जीने का एक मकसद मिलता है, ये फिल्म हमें यही सिखाती है। यार जो भी फिल्म है सब ने बहुत अच्छा काम किया है, जैकी ने, बच्चे ने, जो भी सारे करेक्टर बहुत अच्छे हैं। इस विषय पर फिल्में इसलिए बनती हैं कि लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों, लोग मार धार वाली फिल्में, कॉमेडी फिल्में ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है इस ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए, निश्चित रूप से ऐसी फिल्म को सराहना मिलनी चाहिए, अवार्ड में जाना चाहिए, ताकि लोगों की हिम्मत बढ़े ऐसी फिल्मों बनाने के लिए। 10 में से 7 तो मिलनी चाहिए। अच्छी मूवी है, रियलिटी बेस्ड मूवी है, मतलब जो जीवन की सच्चाई है वो दिखाई है। हाँ, दोस्त को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है, जो कि अच्छी बात है, आज मरा की ज़िंदगी में दोस्ती रही नहीं है, मतलब ही दोस्ती होती है, लेकिन ये सच्चाई है कि मतलब एक आदमी जो मरने के कदार पे है उसे मौका मिलता है जीने का, वो भी एक दोस्त के माध्यम से। एक अच्छी पिक्चर है। सो 10 में से आई थिंक सो 8 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, बिकॉज द कैरेक्टर्स आर वेरी गुड, और एक्टिंग सबने अच्छी की है, खासकर जैकी श्रॉफ और जो मिस्टी का रोल है वो बहुत अच्छा था। डेफिनेटली जाना चाहिए, बिकॉज ये एक मैसेज है सबके लिए कि मतलब सच्चाई जीवन की यही है कि मौत के बाद ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के बाद फिर वापस मौत है। चैप्टर मतलब ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, बिगिनिंग, मिडल, एंड, फिर अगेन एक, यस, फिर एक बिगिनिंग, मतलब जैसे जैकी श्रॉफ मरने को जा रहे हैं लेकिन उन्हें मौका मिलता है ज़िंदगी जीने का, उसे एक सहारा मिलता है दोस्त के माध्यम से,
उसे जीते हैं, फिर कहाँ ना कहाँ ट्रेजेडी हो जाती है, लेकिन फिर एक बच्चा जो उनकी जिंदगी में आता है जो उनको एक माध्यम देता है जीने का, तो दैट इज अ मैसेज कि लाइफ इज गुड। वेलकम। मूवी बहुत अच्छी है, बहुत संवेदनशील मूवी है। मुझे इस फिल्म का क्राफ्ट बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से फिल्म को प्रस्तुत किया गया है, जो मैसेज देने की कोशिश की गई है जीवन के प्रति कि जिंदगी हमेशा बेहतरीन होती है, उसके साथ चलना चाहिए। निश्चित रूप से ये फिल्म सेमी क्लासिकल फिल्म है, सेमी आर्टिस्टिक फिल्म कह सकते हैं। इसमें पूरी तरह कमर्शियल भी नहीं है, पूरी तरह आर्टिस्टिक फिल्म भी नहीं है, बीच का रास्ता अपनाती है और अच्छी फिल्म है। जी, ये फिल्म तारे ज़मीन पर से इसकी तुलना तो नहीं हो सकती, ये एक दार्शनिक फिल्म है, बच्चों की फिल्म नहीं है, या बच्चों की किसी बीमारी पर या कमजोरी पर बात नहीं की गई है। यह एक वरिष्ठ नागरिक की हेल्प करने वाली फिल्म है, उसको जीवन दर्शन सिखाती है। एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा होता है, एक बच्ची उसे जीना सिखाती है। मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा इसको। मूवी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि मूवी में जो एक सोशल मैसेज जो दिया गया है कि लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती और लाइफ हमेशा ही अच्छी रहती है, तो मतलब फिल्म एक्चुअल में बहुत अच्छी बनी है। 10 में से अगर मार्क्स की बात करें तो 7.5। थैंक यू। द मूवी वॉज गुड। इट वॉज अबाउट द स्टोरी ऑफ द वन गर्ल एंड द बॉय, और वो जो मिस्टी का रोल था वो बहुत अच्छा था, स्वीट इनोसेंट टाइप्स एंड बट फैमिली टाइप फिल्म थी, मस्त फिल्म थी, द फैमिली शुड वॉच। 8। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, जो आनंद जी ने बहुत अच्छी फिल्म सेलेक्ट करी है। अच्छा वो किया आनंद महाजन जी ने, बहुत अच्छा काम किया। इमोशन जो इस फिल्म में दिखाया बहुत अच्छा, जिंदगी किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, लाइफ इज गुड, वो बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गई, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्या बयान। सर वो अच्छी अच्छी चीज़ है, और कोशिश अच्छी है, और समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं फर्स्ट स्टेप सेकंड चैप्टर थर्ड, ऐसा नहीं। एज डिफरेंट, और वो जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी जैसे लोग ज़िंदगी जीना भूल गए हैं, किसी को कोई होप नहीं, किसी को कोई मकसद नहीं है। बोलते हैं ना कि बेरंग ज़िंदगी में जब कुछ ख्वाब के रंग आ जाए तो उनमें जान आने लगती है। तो जब तक आदमी को कोई मकसद नहीं मिलता, ज़िंदगी का मतलब नहीं समझता है, लेकिन जब कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का, जब उसे ख्वाब, उसे अरमान, उसे जुनून मिल जाए, तो फिर वो जीने लगता है। लाइफ इज़ गुड एक ज़िंदगी है, जिसे जो ज़िंदगी को जीना और एक मकसद, एक कामयाबी और एक अरमान देती है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। मार्क तो पब्लिक देती है, ये लोगों ने कोशिश करी है एक अच्छी फिल्म बनाने की, और एक अच्छी फिल्म बनाई है, अब दर्शकों के पास जाएगी, लोग देखेंगे। सबके अपने अपने विचार, सबके अपने अपने ख्यालात होते हैं, एक कोशिश करके एक अच्छी फिल्म बनाई है और वो पब्लिक तक आएगी, और उसके बाद मार्क मिलना ना मिलना ये तो उनके हाथ है, लेकिन कोशिश एक अच्छी करी, एक अच्छी फिल्म बनाने की वो लोगों ने की। थैंक यू। इट वाज अ गुड मूवी। ये कुछ हटके, मतलब आजकल के जनरेशन कैसा, कुछ ऐसा थोड़ा हटके मूवीज चाहिए, दर्दिंग वाली मूवीज चाहिए, पर ये कुछ साइलेंट मूवी थी, मैसेज वाली मूवी थी, और फैमिली इंस्पायरिंग मूवी थी कि कोई ना कोई कभी ना कभी छोड़ेगा ही एक दूसरे को, तो वी शुड नॉट लीव द लाइफ वेस्ट, वी शुड कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड लीव अ बेटर लाइफ। या अच्छा था मूवी, हम लोगों को किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ये मूवी का मैसेज है, अपने आप को आगे चलते रहो बस। 10 में से कितने
8. मेरे को अच्छी लगी। उसमें एक लड़की थी मिस्सी नाम की, वो जिसके हम ये मूवी मैसेज देती है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए और लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए। बहुत अच्छी लगी है। सबसे अच्छा इसमें यह देखने को मिला है कि हम एक बार फैमिली के साथ में बैठ कर देख सकते हैं, और इसमें यह तो ये हुआ है कि कभी भी लाइफ में नर्वस मत हो कि कुछ हो, कुछ भी कठिनाई आए तो उसमें आगे बढ़ वो पीछे रख दो और आगे बढ़ते चलो। 8 बहुत अच्छी थी। आजकल तो ऐसी मूवी देखने नहीं मिलती, सब बच्चे लोग के लिए सब अच्छी अच्छी डांसेस वाली सब अच्छी मूवी बनाते, ये फैमिली के लिए नई मूवी अच्छी निकली है, सब देख सकते फैमिली साथ में। 7